हेलो फ्रेंड, कैसे हैं सब लोग। फ्रेंड, आज हम लोग दिखाएंगे आपको अपने टेरेस गार्डन की फुल हार्वेस्टिंग, जो मैंने अपने छत पर वेजिटेबल को ग्रो किया हुआ है। और फ्रेंड, ये जो वेजिटेबल है मैंने सितंबर में इनको ग्रो किया था, जो कि अब इन पे फ्रूट आना स्टार्ट हो गया है। और ये है मेरी लौकी की बेल, जो कि अब फ्रूटिंग से बिल्कुल भरी पड़ी है, जो कि आज मैं आपको हार्वेस्ट करके दिखाऊंगा। तो इसमें आज हम कर रहे हैं पहली लौकी को हार्वेस्ट, जो कि अब फ्रेंड अब हार्वेस्ट करने लायक हो चुकी है। तो फ्रेंड, आप अपने टेरेस पर इस तरह से छोटी सी किसी भी बकेट में या ग्रो बैग में इसको ग्रो कर सकते हैं। ये तो मैंने अपने जो मेरा टैंक है ये इसमें लगाई हुई थी। और यही जो अब फ्रेंड अब मेरे पास है ये प्याज, ये भी मैंने उसमें सितंबर में ही इनको लगाया था, जो कि मैंने इनसे एक हार्वेस्टिंग ले ली थी। अब ये मेरी इनकी दूसरी हार्वेस्टिंग है। देखिए आप भी कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग बम्पर में हमें इसमें काटने को मिली है। तो आप फ्रेंड अगर बात करें इसकी हार्वेस्टिंग की, तो फ्रेंड हार्वेस्टिंग इसमें बहुत ही अच्छी मिलती है। आप अपने घर पर अगर इसको ग्रो करते हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप जैसे ये मेरे पास देखिए चार पांच इस तरह की प्याज है, ये इस तरह से आपको गमले में लगा देनी है और बस आपको इससे 15 से 20 दिन बाद हार्वेस्टिंग मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो फ्रेंड इस तरह की प्याज है, ये मैं दूसरे गमले में इनको लगा दूंगा और फिर से हार्वेस्टिंग लेनी स्टार्ट कर दूंगा। अब फ्रेंड इस साइड है मेरी ये मिर्च के प्लांट, ये मेरे अभी सितंबर के प्लांट लगे हुए हैं, जो कि अब देखिए इनसे हार्वेस्टिंग मिलना स्टार्ट हो गई है। और मेरे पास फ्रेंड मिर्च के 4 से 5 प्लांट है, जो कि मेरी जो घर की रिक्वायरमेंट है इन्हीं से धीरे धीरे पूरी होती रहती है। तो आप भी अपने छत पर या टेरेस गार्डन पर ऐसे ही फ्री में फ्रेंड मिर्चों का मज़ा ले सकते हैं। और फ्रेंड देखिए कितनी बम्पर हार्वेस्टिंग आपको देखने को मिल रही है। तो आप चाहें तो अपने छत पर इस तरह से ही अपनी मिर्चों का हार्वेस्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड दूसरी ओर। देखिए लगाया हुआ है मैंने ये अमरूद का प्लांट, इसको लगाए हुए फ्रेंड मुझे 1.5 से 2 साल हो चुके हैं। और जो इस पर अभी पीछे अमरूद आया था वो मैंने इससे हार्वेस्ट कर लिया था। ये जो अमरूद है मेरे सर्दियों के अमरूद है, जो कि अभी फ़िलहाल साइज़ में काफ़ी छोटे हैं। तो अगर आप फ्रेंड अपने छत पर इस टाइप के प्लांट को लगाते हैं तो आपको अच्छा हार्वेस्ट देखने को मिलता है। ये जो फ्रेंड प्लांट है ये मेरा ग्राफ्टेड प्लांट है। आप भी अगर अपनी छत पर अमरूद का प्लांट या किसी भी फल का प्लांट लगाते हैं तो हमेशा ग्राफ्टेड प्लांट या एयर लेयरिंग से तैयार प्लांट ही अपने छत पर लगाएं। तो फ्रेंड देखिए कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग हमें अमरूद की भी मिल रही है। तो फ्रेंड जो मेरे पास ये जो अमरूद का पेड़ है ये 1 kg वेराइटी है, जो मैंने अपनी छत पर इसको लगा रखा है। और फिलहाल मैं इनसे 2 अमरूद हार्वेस्ट करके इनको कलेक्ट कर लेता हूँ। और अब चलते हैं फ्रेंड दूसरी साइड। फ्रेंड हमारे पास है ये धनिया, ये भी मैंने सितंबर में इसको ग्रो किया था। और मैंने इसकी जो पहली हार्वेस्टिंग है यानी कि जो पहली इसकी कटाई है वो मैंने सितंबर में लगाकर इसको अक्टूबर में लेना स्टार्ट कर दिया था। और अब ये 15 दिन बाद दोबारा ग्रो होकर इसकी जो दूसरी कटाई है वो देखिए अब होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड आप चाहें तो अपनी जो किचन की जो रिक्वायरमेंट है थोड़ी थोड़ी वो आप अपनी छत से पूरी कर सकते हैं। इसमें कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं है, आप केवल कोशिश करिए, आपको इसमें सफलता मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और आप फ्रेंड आगे ऐसे ही अपडेट लेने के लिए हमारे जो चैनल है DK नेचर एंड प्लांट, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं जो भी अपडेट अपने चैनल पर डालता रहूं वो आपके पास नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुंचता रहे। तो देखिए फ्रेंड आप देख सकते हैं मेरे पास जो ये धनिया है इसकी कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग हमें मिल रही है। तो ऐसे ही आप भी अपनी छत पर धनिया को ग्रो करके ऐसे ही धीरे धीरे आप अपनी छत पर सब्जियों की वैरायटी है आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। देखिए आपके सामने कितना अच्छा धनिया ये ग्रो हुआ है। अब चलते हैं फ्रेंड दूसरी साइड लगाई हुई है हमने गांठ गोभी, जो कि मैंने इसको सितंबर में इसकी पौध बनाकर इस बैग में लगाया था। और ये जो बैग है मैंने फ्रेंड घर पर ही बैनर से इसको 9 इंची हाइट में मिट्टी डाल के इसको ग्रो किया हुआ है। और देखिए आपके पास सामने कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग देखने को मिल रही है। तो हम यहाँ से करेंगे
दो गांठ गोभी को हार्वेस्ट। और फ्रेंड इसको ऐसे ही हम लोग सलाद में कच्ची खाएंगे। और फ्रेंड जो इस टाइप की ये सब्जियां होती हैं सर्दियों में बहुत ही न्यूट्रिशन रिच होती हैं, तो आप अपने इनको डाइट में शामिल ज़रूर करें और अपने गार्डन की जो शोभा है इनसे खूब बढ़ाइए। तो अब फ्रेंड अब जो हम दूसरा जो आपको दिखाएंगे वो है हमारी मूली। मूली भी फ्रेंड आप सितंबर में इजीली ग्रो कर सकते हैं। वो मेरी जो इस साइड लगी हुई है ये है वाइट मूली, इनको भी मैंने सितंबर में डायरेक्ट बीज से इस टैंक में ग्रो किया है और मैं रोज़ इनसे एक एक मूली अपनी सलाद में दोपहर के टाइम पे काट कर अपने जो लंच में इनको यूज़ करता हूँ और अपनी जो किचन की रिक्वायरमेंट है इनसे ही धीरे धीरे अपनी पूरी करता हूँ। और फ्रेंड जो ये ताज़ी ताज़ी मूली और अपने साइज की निकाल कर खाने की जो मज़ा है इनका खाने का वो आप शायद मैं बयान नहीं कर सकता, केवल एक गार्डनर ही इसको समझ सकता है। तो आप फ्रेंड बिल्कुल फ्री में आप ऐसे रोज़ रोज़ एक एक मूली उखाड़ करके या दो दो मूली उखाड़ जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप अपने घर पर इनको अपने लंच में ऐड कर सकते हैं। तो देखिए आपके सामने कितना अच्छा साइज मूली का मिला है। और अब इस साइड चलें तो फ्रेंड इस साइड लगा रखी है मैंने ये ब्रोकली, ये भी मैंने पौध से तैयार करके इनको लगाया था। देखिए क्या साइज आपके सामने इनका अवेलेबल है। तो आप ऐसे ही फ्रेंड धीरे 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 अपनी गार्डनिंग में काम करते रहिए और आपको पता भी नहीं चलेगा आपने अपने गार्डन में कब कितने प्लांट ऐड कर लिए हैं। अब है हमारा इधर ये टमाटर, टमाटर को भी मैंने पौध से तैयार करके अब लगाया था। देखिए इस पर फूल आना स्टार्ट हो गया है, ये भी हमें अब 15 से 20 दिन बाद टमाटर देना स्टार्ट कर देगा। तो फ्रेंड ऐसे ही आप अपने जो गार्डन है इसमें कई तरह की जो छोटी छोटी सब्जियां हैं इनको लगा सकते हैं। तो अब इस साइड चलें तो फ्रेंड इस साइड लगा रखा था मैंने ये पालक, और पालक का अब हो गया है एंड। और ये है मेरी दूसरी मेथी, ये मेरा दूसरा बैच है। तो फ्रेंड आप अगर मेथी लगाना चाहते हैं बहुत ही बेस्ट टाइम है, ज़्यादा ठंड होने पर ये अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती है। तो अगर आप मेथी लगाना चाहते हैं तो अब फ़िलहाल भी आप नवंबर में इसको लगा सकते हैं। फ्रेंड अब इस साइड आए तो इस साइड लगाई थी मैंने ये लाल मूली, तो लाल मूली भी आप फ्रेंड देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आपके सामने अवेलेबल है। तो फ्रेंड जब मैंने ये मूली वाइट वाली हार्वेस्ट करनी स्टार्ट की थी तो मैंने इसका दूसरा बैच यहाँ पर ऐसे लगा दिया था, और फिर इसके बाद अपना जो मैं मूली उगाड़ता रहता था और पीछे से नई नई पौध मैं इसकी लगाता रहता था। इससे क्या है कि मेरी जो कंटिन्यू हार्वेस्टिंग है वो घर पर बनी रहती है। और इधर दूसरी साइड भी फ्रेंड मैंने ये धनिया ग्रो किया था जो कि अब इसकी लास्ट हार्वेस्टिंग है, ये इसकी थर्ड हार्वेस्टिंग है जो कि अब बिल्कुल एंड की हार्वेस्टिंग है। इसके बाद हम इसमें दूसरा धनिया ग्रो करेंगे। और अब चलते हैं आपको दूसरी साइड ले करके, ये भी इधर फ्रेंड देखिए मैंने कुछ प्लांट लगाए हुए हैं। ये मेरे शिमला मिर्च के प्लांट है जिसमें अब शिमला मिर्च के फूल आने स्टार्ट हो गए हैं, ये भी हमें फ्रेंड ऐसे ही 15-20 दिन बाद शिमला मिर्च इसमें बननी स्टार्ट हो जाएगी और घर पर खाने के लिए ये तैयार हो चुकी होगी। अब इस साइड चलें तो फ्रेंड ये है मेरी प्याज, ये मैंने इनको बीज से ग्रो किया था। इनकी हम पूरी प्याज ही हार्वेस्ट करेंगे और आपको चैनल पर अपडेट करके दिखाएंगे। इस साइड है हमारा ये अंजीर, और अंजीर का प्लांट भी देखिए फ्रेंड कितना बड़ा हो चुका है, मैं इसका भी मेरे पास 1 से 1.5 साल हो चुका है और इस पर अंजीर पकनी स्टार्ट हो चुकी है। फ्रेंड अगर आप ऐसे ही छोटी छोटी ज़रूरतों को आप पूरी करते हैं तो आपको बहुत ही हेल्प अपने घर में इन सब्जियों की मिलेगी और ताज़ी ताज़ी सब्जियों का फलों का आपको आनंद मिलेगा। देखिए कितना अच्छा आपके सामने फ्रेंड अंजीर है, ये भी आप अपने घर पर ईजिली ग्रो कर सकते हैं। और अब इसके बराबर में हम दिखाते हैं फ्रेंड आपको ये मौसमी, ये मेरा मौसमी का प्लांट है। देखिए कितना अच्छा साइज मेरे मौसमी का बन चुका है छत पर, ये भी मैंने केवल एक 18 बाई 18 के ग्रो बैग में इसको लगा रखा है। तो आप भी फ्रेंड इतने ही बैग में यूज़ कर सकते हैं ऐसे प्लांट को जो आपके फ्रूट प्लांट है, और देखिए आपके सामने कितने अच्छे मौसमी बनकर रेडी है। तो फ्रेंड आप ऐसे ही अपने छत पर छोटे छोटे रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। और देखें ये जो मेरी आज की हार्वेस्टिंग है
यह आपके सामने है। तो फ्रेंड आपको जो हार्वेस्टिंग है ये कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट को ज़रूर करना। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में अच्छी नॉलेज के साथ, अच्छी हार्वेस्टिंग या जो भी कोई मेरा नया टॉपिक रहेगा उसके साथ। तब तक के लिए फ्रेंड हैप्पी गार्डनिंग और वंदे मातरम।